नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जाने माने शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। उन्होंने सोमवार को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। उससे पहले उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। अस्पताल के अनुसार ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दुनिया रूस की कोरोना वैक्सीन को संदिग्ध नजरों से देख रही है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है जितनी ब्रिटेन या अमेरिका की वैक्सीन की जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल काफी अहम होता है, जब हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक वैक्सीन के प्रभाव की जाँच की जाती है। लेकिन रूस की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में रूस की कोशिश की जमकर तारीफ की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार उन्होंने रूस की इस वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। रूस ने फिलीपींस को यह वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया है। चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। ये वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर बनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हट रहे हैं। यूएई ने भारतीयों की यात्रा की अनुमति दे दी है। यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने सोमवार को ट्वीट किया, मुझे एविएशन मंत्रालय का नोटिफिकेशन देखकर काफी खुशी हो रही है। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारतीय या यूएई की फ्लाइट यूएई का वैध वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों को यूएई ला सकती है। भारत में एक दिन में 53,601 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 871 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 45,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,39,000 से ज्यादा हैं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में करीब 6,000 नए मामले आए हैं और 118 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,08,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 5,159 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 53,000 के करीब हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 1,257 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और 8 लोगों की जान गई है, जिससे कुल केस 1,47,000 से अधिक हो गए, जिनमें से 1,32,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 4,139 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 5,130 केस मिले हैं और 59 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 48,998 हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,176 हो चुकी है। 100 से अधिक दिन बाद न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण के कुछ नए स्थानीय मामले सामने आए हैं। लोकल ट्रांसमिशन को इसकी वजह बताया गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने बताया कि 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों एक ही घर में रहते हैं और संक्रमण के सोर्स का अब तक पता नहीं चल पाया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है और संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी 7,37,000 से ज्यादा हो चुका है। फिलहाल 15,81,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,89,000 से ज्यादा हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।